भविष्य देखने की शक्ति हर किसी के पास होना मुमकिन नहीं, लेकिन कुछ ऐसे भी महान और विद्वान लोग हैं जिन्होंने सालों पहले ही भविष्य की घटनाओं को महसूस कर लिया था। आपने फ्रांसीसी भविष्यवक्ता माइकल नास्त्रेदमस के बारे में तो सुना ही होगा। पूरी दुनिया में लोग नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों पर यकीन करते हैं। इसकी वजह यह है कि उनकी की गई अब तक की भविष्यवाणियाँ सच साबित हो चुकी हैं। वहीं नास्त्रेदमस ने 2020 को लेकर भी कई भविष्यवाणियां की हैं। सोशल मीडिया पर कई सारी ऐसी ही अफवाहें चल रही हैं। कोई कह रहा है कि दुनिया भर में फैली महामारी कोरोना की भविष्यवाणी नास्त्रेदमस ने अपनी एक किताब में की है। जगह जगह ट्वीट सामने आ रहे हैं जिनमें लिखा हुआ है कि नास्त्रेदमस ब्रॉट इन ईयर 1551 दिस, देयर विल बी अ ट्विन ईयर 2020 फ्रॉम विच विल अराइज अ क्वीन कोरोना, वो विल कम फ्रॉम द ईस्ट चाइना एंड वो विल स्प्रेड अ प्लेग वायरस इन द डार्कनेस ऑफ नाइट ऑन अ कंट्री विथ सेवन हिल्स इटली एंड विल ट्रांसफॉर्म द ट्विलाइट ऑफ मेन टू डिस्ट्रॉय एंड रून द वर्ल्ड, इट विल बी द एंड ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी एज यू नो इट। जिसका मतलब ये है कि एक जुड़वा वर्ष 2020 होगा जिसमें एक कोरोना वायरस पैदा होगा जो पूर्वी चीन से आएगा और जो सात पहाड़ियों वाले देश इटली में रात के अंधेरे में प्लेग वायरस फैलाएगा और लोगों का जीवन बदल देगा, दुनिया को तबाह और बर्बाद करने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि यह विश्व अर्थव्यवस्था का अंत होगा। ऐसा ही कुछ इन ट्वीट्स में लिखा जा रहा है। एक बुक है जिसका नाम है लेस प्रॉफिट्स। बताया जा रहा है कि इसी में कोरोना को लेकर नास्त्रेदमस की गई भविष्यवाणी लिखी हुई है। लेकिन अगर इस किताब को पढ़ा जाए तो ऐसा कहीं भी उस किताब में लिखा हुआ नहीं दिखता। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इस अफवाहों के दौर में सुनी सुनाई बातों पर ध्यान न दें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें, देखें कि चीज़ें सही है या नहीं है, और सबसे बड़ी बात अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।